हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमेजिंग कुकिंग, जिसमें आज मैं बनाने वाली हूँ फूल गोभी आलू की सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज के। जाड़ों में फूल गोभी आलू की सब्ज़ी खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, चाहे आप उसे रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ या फिर चावल के साथ। तो आइए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं फूल गोभी को अच्छी तरह से कट करके गर्म पानी में नमक देकर बॉईल कर लेती हूँ, जिससे इसकी जितने भी इम्प्योरिटीज़ होती है ये निकल जाती है, और इसमें अगर कोई कीड़े होते हैं तो इसमें निकल जाते हैं। अब सरसों के तेल में मैं सारे फूल गोभी को फ्राई कर लूँगी अच्छी तरह से नमक और हल्दी देकर। फूल गोभी आलू की सब्ज़ी खाना सबको पसंद है, पर कभी कभी क्या होता है कि घर में अगर कोई पूजा हो तो बिना लहसुन प्याज के फूल गोभी की सब्ज़ी बनाना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। पर आप मेरे बताए हुए तरीके से एक बार ये सब्ज़ी बनाकर देखिए, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी और इसमें ग्रेवी भी अच्छी आएगी। सारे फूल गोभी तल चुके हैं, अब मैं सरसों के तेल में थोड़ा गोटा जीरा और थोड़े खड़े मसाले डाल के आलू को नमक और हल्दी देकर अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। मैं हूँ सुमन और आप देख रहे हैं अमेजिंग कुकिंग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे ढेर सारी रेसिपीज़ को देखिए। और अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मैं इसमें घर में पिसा हुआ धनिया, जीरा और लाल मिर्च पाउडर का गुड़ा मसाला दे रही हूँ, और थोड़ी सी अदरक और टमाटर देके इसे थोड़ी सी पानी देके इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। अब इसमें सारे तले हुए फूलगोभी डाल के इसे अच्छी तरह से चला ले और इसमें गुड़ा गरम मसाला डाल दें। इसे थोड़ा ढक ढक कर पकाएं, और जैसी सब्जियाँ नरम हो जाएं इसमें हम गर्म पानी ऐड कर देंगे। अभी मैं नॉर्मल पानी दे रही हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर गर्म पानी का ही इस्तेमाल करती हूँ, इससे सब्जियों में मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। अब इसे धनिया पत्ती देकर गार्निश कर दें। बस सिंपल हमारी फूलगोभी आलू की सब्जी ग्रेवी वाली बनकर तैयार हो चुकी है, और वो भी बिना लहसुन और प्याज के, जिसे आप पूरी, रोटी, पराठे या चावल के साथ बड़े मज़े से खा सकते हैं। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।